हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूं कि पार्टीशन सूट कोर्ट में कैसे होता है, पार्टीशन सूट करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, और पार्टीशन सूट सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टीशन सूट कितना दिन तक चलता है। क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स का ये क्वेश्चन रहता है कि हमने कोर्ट में पार्टीशन सूट तो फाइल कर दिया, लेकिन वो सूट कितना दिन चलेगा। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि सूट कितना दिन चलेगा। ऐसे भी लोगों का एक मेंटालिटी बन गया है कि सिविल सूट कोर्ट में बहुत दिन चलता है, और जाहिर सी बात है सिविल सूट चलता भी है ज्यादा दिन तक, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। जिस रीजन को भी बताऊंगा कि सूट क्यों ज्यादा दिन तक कोर्ट में चलता है, केस सिविल केस जो है वो कोर्ट में ज्यादा दिन तक चलने का क्या कारण है, इसके बारे में भी बात करने वाला हूँ। तो इन सब को जानने के लिए वीडियो पे बना रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, और हर बार की तरह एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, पार्टीशन सूट बंटवारे का जो केस है वो बहुत हद तक बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपसी संबंध जब भाई भाई में, या फिर जो भाई है उनके जो ऊपर के पीढ़ी के जो आदमी हैं उनका भी अब बंटवारा नहीं हुआ है, यानी चाचा तो इन सब में बंटवारा नहीं हुआ है। तो उनमें कहने का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति में आजकल सामंजस्ता देखने को नहीं मिलता है। दूरियां बढ़ती जा रही है, व्यक्ति लोगों से दोस्ती करता है, दूसरे व्यक्ति से दोस्ती करता है, लेकिन अपने ही घर के व्यक्ति से दूर भागते जा रहे हैं, जो कि गलत है। अपनों में मिल के रहना चाहिए, आप एकता रखेंगे अपने में तो दूसरा भी आपसे डरेगा, दूसरा भी सम्मान करेगा, लेकिन आपस में ही आप फूट जाते हैं, आपस में संबंध अच्छा नहीं रखते हैं, दूसरे व्यक्ति से संबंध बनाने चलते हैं, दूसरे व्यक्ति से दोस्ती बनाने चलते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है कि बंटवारे को लेके बहुत सारे मुद्दे आते हैं कोर्ट में, कि पार्टीशन जमीन का हो, आपस में वो पंचायत भी बैठाते हैं फिर भी उनका मसला नहीं संभलता, आपस में भी बैठ के बात करने को तैयार ही नहीं होते, और यदि बात करते भी हैं फिर भी नहीं मसला संभलता है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। इस स्थिति में वो कोर्ट आते हैं, कोर्ट में पार्टीशन सूट किसी वकील साहब के मदद से फाइल करवाते हैं। तो पार्टीशन सूट कहाँ पे फाइल होगा, इसके लिए मैंने वो वीडियो बनाया था, लेकिन फिर भी कह देता हूं कि पार्टीशन सूट आपके क्षेत्राधिकार में जो भी कोर्ट है वहां पे आप फाइल कर सकते हैं, या फिर जहां पे आपकी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के क्षेत्राधिकार में जो कोर्ट है वहां पे भी आप पार्टीशन सूट फाइल कर सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि आप जहां रह रहे हैं वहां भी कर सकते हैं, या जहां पे आपका प्रॉपर्टी है वहां भी आप कर सकते हैं। तो पार्टीशन सूट फाइल की करें, किसी भी सिविल कोर्ट में आप पार्टीशन सूट फाइल कर सकते हैं। पार्टीशन सूट फाइल करने के लिए आपके पास जमीन का यदि पेपर है, रजिस्ट्री पेपर, वो होनी चाहिए। मुटिशन कराते हैं दाखिल खारिज का पेपर तो वो भी लगा दें, या आपके पास खाता है, खतौनी है जिसमें खाता खेसरा सारा डिटेल रहता है, वो आपको जरूरत पड़ेगा। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ता है। फिर उसके बाद पार्टीशन सूट तैयार करके आप पार्टीशन सूट सिविल कोर्ट में जो आपके क्षेत्राधिकार में है वहां पे फाइल कर दीजिए। पार्टीशन सूट फाइल करने के बाद अब यहाँ पे बात आती है कि ये सूट कितना दिन तक चलेगा। सबसे अहम सवाल है, सबसे बड़ी सवाल है, सिविल सूट जो है कोर्ट में ज्यादा दिन तक चलता है, इसके पीछे का कारण बहुत ज्यादा है। कारण ये होता है कि कई बार देखा गया है कि जो प्लेंटिफ रहते हैं, बादी रहते हैं, वो बादी हर डेट पे कोर्ट में आते नहीं है, जिसके कारण से वकील साहब भी केस को सीरियस में नहीं लेते हैं, और इस कारण से भी कोर्ट में केस डिले हो जाता है। बादी की अनुपस्थिति होना बहुत जरूरी है। जो केस फाइल करने वाले हैं उनको चाहिए कि हर डेट पे जाएं, अपने वकील साहब से मिलें, वकील साहब से पूछें कि आज इस केस में जो प्रोसीडिंग हुई ये क्या प्रोसीडिंग हुआ, और इसके आगे क्या प्रोसीडिंग होने वाला है, इन सब बातों पे बात करें, जिससे वकील साहब का भी केस के प्रति इंटरेस्ट रहेगा और बादी को भी सब कुछ पता रहेगा। दूसरी बात आती है कि सामने वाला पार्टी, यानी कि जिस पे आपने केस फाइल किया है, उस पार्टी का क्या रवैया है, क्या मनसा है, उसके दिमाग में क्या चलता है केस के लेके,
क्योंकि कभी कभी पार्टी भी लंबा केस खींचने को तैयार रहता है कि डेट पे डेट कोर्ट से लेते जाए। तो ये चीजें नहीं होने दें। आपको यदि लगता है आपने केस फैल गया है, आपको बंटवारा करने की जरूरी है, जल्दीबाजी है, तो आप ये चीज देखें, कोर्ट से बोलें कि केस को जल्दी से जल्दी मिलता है। तीसरा बात जो है वो जज साहब पे भी डिपेंड करता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जज साहब काफी छुट्टी पे रहते हैं, जिनके कारण भी केस में डिले हो जाता है। उनके स्थान पे यदि दूसरे जज साहब आते हैं तो उनको फाइल पढ़ने में ही टाइम लग जाता है। तो ये सब सारे रीजन होते हैं जिसके कारण से सिविल सूट ज्यादा दिन तक चलता है। लेकिन यदि ऐसा बात किया जाए तो पार्टीशन सूट की जहां तक बात है, पार्टीशन सूट आपको 2 से 3 साल तक, ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल चलेगा, या उससे पहले भी आप पार्टीशन सूट आपका निपट सकता है। अब बात आती है कि यदि एक्स पार्टी हो गया, एक तरफा यदि आ गया, मान लीजिए हमने पार्टीशन सूट फाइल किया, दूसरा पार्टी कोर्ट में नहीं आ रहा है, तो इस स्थिति में क्या होता है, एक तरफा आदेश हो जाता है। एक तरफा यदि आदेश हो गया तो 6 महीने से साल भर के अंदर में आपका सूट निपट जाएगा। तो पार्टीशन सूट सिंपल है, पार्टीशन सूट कोई बड़ी चीज नहीं होती है। टाइटल सूट में ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन पार्टीशन सूट में ज्यादा टाइम नहीं लगता, 2-2.5 साल में हो जाएगा, 2-3 साल के अंदर भी निपट सकता है, उससे पहले भी निपट सकता है। एक पक्ष आदेश हो गया है तो 6 महीना से पहले भी निपट सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि कोर्ट कचहरी में पार्टीशन सूट फाइल ना करके आपस में ही यदि बंटवारे कर लें तो अधिक बेहतर है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। आप मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं किसी भी प्रकार से कानून से संबंधित मैटर पे, तो कॉल बुक करके आप मुझसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है। तो आज तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।